Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. इतने सालों से जो चीज को फॉलो कर रहे हैं, कंफर्म करना ना, अपने पूरा 100% श्योर होना ना, एक भी पॉइंट नहीं छूटना। तो अभी कर लिया ना आपने कंफर्म, अभी निकलो, खुश रहो लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुफिया जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। सुफिया जी, आप मोमिना हैं? जी, मेरी आदम भाई से बात हुई थी परसों। अरे वाह, क्या बात है। तो नमाज इमाजे पढ़ती हैं आप? वही जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है ना? नहीं जी, अभी नहीं छोड़े। अच्छा, हाय हाय। बात कर दिए सुफिया जी का, इस्लाम नहीं छुड़ा सके क्या जी? वो ऐसे कर रहे तुम्हें? पता नहीं, अभी कुछ डाउट है जी, अभी कुछ डाउट है। वो जो मैं किसी और चैनल पे बात कर रहा था, आप उस चैनल पे आई थी राइट? हाँ, आपके चैनल पे। मेरे चैनल पे आई थी? अच्छा, चले, ओके जी। अरे लास्ट टू डेज पहले। ओके, हुक्मुन शदीदा। कुछ और आयते हैं मेरे पास। अच्छा, और आयते भी ले आई हैं आप? आपके तो जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने पूरा कर दिया? करा तो फिर वो बताए ना, उसके बारे में बताने भी जा। लेकिन मुझे अब याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टाइम जो आएंगी आप पूरी हुज्जत के साथ आएंगी, क्योंकि उसके बाद मैं आपको मजीद मौका नहीं दूंगा। या तो आप इस्लाम छोड़ेंगे या मैं अपना चैनल बंद करूंगा, राइट? यही हुई थी ना आपकी मेरी बात, याद आ रहा है मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो आप अभी कुछ जो आयते हैं मेरे को आपको बाइबल से टैली करके बताना है। मैं बाइबल से? ये कैसी शर्त है यार? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, कोई नहीं, एडन साहब, इनको इनको अच्छे से मौका दो, मुझे इनकी बात और ये अंदाज जो बहुत प्यारा लगता है। तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रही, सुन लो इनकी बात। जब लास्ट टाइम आप नहीं थे ना साहिल भाई, तो जरा डर होके जल्दी चले गया था मैं। आप रहे तो जरा समझा लेते एडम भाई को। अच्छा, डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुल के अपनी बात रखिए, एडम साहब आपको जवाब देंगे। तो टैली करते ना एडम भाई। ओके जी, कर लें जी। टैली क्या, टैली क्या करना है बताइए, और टैली क्यों करना है? लेकिन एक आयत बाइबल में है या उस चैप्टर उस टाइप का है या नहीं? मैं देख लेता हूँ, लेकिन मुझे मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि व्हाई, लाइक उसकी रीजन क्या है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें उससे, क्योंकि मेरी आपकी जो लास्ट टाइम बात हुई थी वो ये हुई थी कि इसके बाद आप इस्लाम छोड़ेंगी, हमारी ये आखिरी डिस्कशन होगी नेक्स्ट वाली, राइट? ये आपकी मेरी बात हुई थी, राइट? नहीं नहीं, अगर आप प्रूव हो गई गलत तो आप इस्लाम छोड़ेंगी, राइट? शायद इसके बाद एक और लेना पड़ता। ना 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 ना, इतने चांसेस तो नहीं ना होते। अच्छा, तो देखेंगे देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, 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 देखेंगे नहीं, देखें बहन, देखें बात ऐसा शर्त नहीं लगा भाई। ये इस वजह से कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि फिर वरना फिर फायदा कोई नहीं कि आपसे ढेरों बातें करते रहे और एंड में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तैयारी है, लेकिन 1400 साल पुरानी 2000 साल पुराने बातों अपन 2 घंटे में कैसा डिस्कस कर सकते? नहीं, आपने पहले भी बड़ा डिस्कस किया है ना, आपने जो लास्ट टाइम बताया था कि आपने काफी कुछ पढ़ा है, आप हमारे चैनल को काफी देर से देख रही हैं, तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी। अब आप मुझे एक चैनल और एंगल से आई हैं। पहले नहीं मालूम हुआ एडम भाई, सिर्फ ओके चले, इसके बाद चले, ये फिर मैं आपको सेकंड लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके बाद जो लास्ट चांस होगा ना, और आप लाजमन आएंगी, लेकिन उस टाइम पे आप पूरी तैयारी से आएंगी या हार या पार? हाँ, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, हुक्म, आयत दो। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 147। ओके, लेट मी ओपन इट फॉर एवरीवन। और एक बात, हिंदी उर्दू में बीच में मैं ये मेरे जो क्वेश्चन जो आयते हैं ना, ये टैली करते वक्त आपका कोई नया आयत बीच में अब नहीं बोलना, मेरे पूरे हो जाने के बाद में बोलना। नहीं जी, नहीं बोलता जी, आप बोल लें जो बोलना। हाँ जी, हिंदी पढ़ेंगी उर्दू? उर्दू पढ़ेंगी। ये नहीं जी, पढ़िए। बहुत छोटा दिख रहा ना, और जूम कर दूं एक सेकंड? और है आयत, और थोड़ा ऊपर जाइए। अब तो पढ़ लें। अच्छा, तो अगर ये लोग आपसे आपको झुटला दें तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला और इसके अजाब नाजिल, इसका अजाब टला नहीं जाएगा मुजरिमों की कौम से। ओके, तो इसमें क्या चाहती हैं आप? आयत क्या कह रही हैं? पूरी हो गई आयत? पूरी नहीं, कैसे पूरी हुई? यही तो आयत है, क्या चाहती हैं आप इस आयत का आप मुझसे?
नहीं, अभी तो मैं आपको पूरा आयत पूरी नहीं हुई हो। बहन आयत खत्म हो गई है, जो आप आयत आयत दी थी वो आयत आपने पढ़ दी, अब इसमें से मुझसे क्या चाहती हैं? अच्छा ठीक है, ये आयत हो गई। एक और एक आयत है, ओके, लेकिन बहन इस आयत को क्यों खुलवाया वो तो बता दे मुझे। इससे मेरे को आपको कुछ साबित नहीं करना है, अपने आप को करना है। अच्छा, और लेकिन दूसरी मुझसे आयत, एक साथ थोड़े आयत रहते कंटिन्यू करने का है, 56 की 1, 56 की 1। जी तो ये बड़ी मुसीबत है। पढ़िए। जब क़यामत वाक़े होगी, नहीं, जब होने वाला वाकया रोनुमा होगा। हाँ बाइबल में देखिए, बाइबल में क्या देखूं? ऐसी ऐसी मिलती जुलती आयत है क्या? What do you mean by that? बाइबल में नहीं ये वाली बस, आयत ढूंढनी है। हाँ ऐसा, यानी इससे मिलती जुलती भी रही तो इट्स ओके। जब होने वाला वाकया होएगा? नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं है। होने वाला अच्छा वाकया चलिए, होएगा क्या मतलब है? What do you mean by that? होने वाला वाकया होएगा, लाइक बाइबल में ऐसे ऐसी स्टूपिड तरीके से आयतें नहीं लिखी गई। वहां पे अच्छा आयतें जो है ऐसे हैं चैप्टर जैसे कि वाइज है ना? इंसान, जब इंसान कोई चीज पढ़े तो उसको समझ आए। ये आयत क्या कह रही है? जब होने वाला वाकया होएगा क्या मतलब? व्हाट डज दैट मींस? ये आयत है ही नहीं, आधी आयत है, हवा में है, ना इसके पीछे कुछ है ना इसके आगे कुछ है। इसको मैं कैसे ढूंढू, क्या ढूंढू इसमें से? अच्छा इस कोई तरीके कोई से है नहीं इसके ढूंढ अंदर कोई सकते। सेंस है? अच्छा 49 की 13, आयत नंबर 13, 49 की। 49 की थर्टीन जी, बढ़िया। 49 है ये। चैप्टर नंबर 49 की आयत नंबर 13 है जो आपने बोली थी। ये कुरान, कौन सी कुरान है? मीन्स आप किसका तर्जुमा देख रहे, बता सकते? डॉक्टर इसरार अहमद का। ये खारी फहीम, फहीमुद्दीन फहीम की नहीं है आपके पास? नहीं है, फिर आप सूर, पढ़ अच्छा मैं इसका तर्जुमा बता देती हूँ, अब मैं आपको इसका सूर, ये सूर तर्जुमा वाली आयत ही नहीं है, ये सूर वाली आयत ही नहीं है। 49 की 13 में सूर वाली आयत ही नहीं है। आपका रेफरेंस गलत है। When the horn blows, that is not in 49:13. अच्छा आयत मैच ये क्यों सूरह नहीं हो नमल की रही? 87 में है, ट्रम्पेट बोलने का। चैप्टर नंबर 87 में है। 69 की आयत नंबर 13 में है। आपको 69 की 13 में जाना चाहिए, आप गलत रेफरेंस दे रही हैं। 69 की 13 में आप जाना चाह रही हैं, 49 में नहीं जाना 69 चाह रही। में करें ये वाली आयत आपने मांगी है, 49 नहीं, आपने रेफरेंस गलत लिखा हुआ। हाँ, ऐसी कोई आयत बाइबल में मिलेंगी? रेवलेशन में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। दीदी इसका मकसद, 81 अरे दीदी, 81 की 80 मेरी आवाज आ रही है सुफिया जी? आ रही, आ रही। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, सारे लोग, 7,000 लोग आपको देख रहे हैं, आप इससे क्या चाहती क्या है? हाँ तो जरा थोड़ा 10 मिनट धीरज रखे तो बोलते अच्छा, पता चलेगा 10 मिनट। आप मेरे ख्याल से बस। तकरीबन 10 मिनट के ऊपर हो गया आपकी बात रखते हुए। हाँ तो बाइबल में है क्या पूछ रहे हैं? तो निकाले नहीं ना एडम भाई। रेवलेशन उन्होंने में बताया, है, व्हेन द ट्रम्पेट विल ब्लो एंड दिस हैपन एंड दैट हैपन, दैट इज देयर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द क्वेश्चन? अच्छा चलिए अब 81 की 8 निकालिए प्लीज एडम भाई, थोड़ा इतना। अच्छा, ये लास्ट आयत आपको शो करेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि इससे क्या हाँ साबित करना जी चाहती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके जी। 81 की एज जी, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, फिर रेफरेंस गलत है, फिर रेफरेंस गलत है। ऐसा नंबर कैसा गलत हो रहा मेरा? जब सूरज बेनूर हो जाएगा, ठीक
हाँ वो इज नुसरत, जब सूरज को उठा देंगे सब, मुझे पता है, आगे चलो। ऐसी वाली आयत है बाइबल में? नहीं, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, ऐसी वाली आयत नहीं है? नहीं, और जब चांद बेनूर हो जाएगा, खयामत, सूरह खयामत 75, ऐसी आयत चांद मिलेंगे? अभी भी बेनूर ही है, चांद का कोई नूर नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास पूरे बुक्स है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास हर बुक है। अरे एडम साहब को यह आया चांद बेनूर होने वाला। मून को कवर करने की एक आयत है एक एक सॉन्ग के अंदर, जो कि मार्क ने प्रॉबेबली रेफर किया है, मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड जी। आइजया की 13 की 10 और 34 की 4 में जी एक सॉन्ग लिखा हुआ है, उस सॉन्ग के अंदर है, द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट, यानी एंड द स्टार्स एंड वगैरह वगैरह। यस, नेक्स्ट। ठीक है, अभी मकसद बताइए। क्या प्रूव और करना एक चाहते हैं आप? अभी आए है साहिल भैया, नहीं, आपसे मैंने कहा था दिया दूसरा ना भाई, चाहती क्या है? टाइली कर रहे हो कुछ किताब, कुछ आयतों को? यार साहिल, मैं पागल हो जाऊंगा यार। नको नको, ऐसा कैसा आप हो गए तो इससे कितने हजार लोगों का कैसा? अरे मुझे बताओ तो सही, चाहती क्या हो? थोड़ी देर सबर रखने को तो बोले, बोलूं दूसरा? जो मखलूक जमीन पर है वो सब एक दिन फना हो जाएगी। हाँ, वो सब फना हो जाएगी। यस, बाइबल में है। आगे है बाइबल में, क्या नंबर रहेगा उसका? पता नहीं क्या नंबर है, इसके कुछ नंबर वही नहीं रहता। डजंट मैटर, है, आगे चलो, थोड़ा ढूंढने में आगे चलो, है, आगे चलो, आगे चलो, अच्छी बात है। ठीक। और 34 आयत नंबर 3 क्या कहती है? 34:3, 34:3, और काफिर कहते हैं कि खयामत हम पर नहीं आए, आप कह दीजिए कि क्यों नहीं आएगी। हा? ऐसी कोई आयत नहीं है वहां पे, आगे चलो, ऐसी कोई आयत बाइबल पूरी सुन, पूरी सुन तो ले, सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे रब आलिमुल गैब। हाँ, अरे नहीं, ऐसी आयत, आगे चलो, जो है मैंने बता दिया है, जो नहीं है मैंने बता दिया नहीं है, आगे चलो। पूरी आयत नहीं सुने आप? ये पूरी आयत सुनना जरूरी नहीं, नहीं यार, जब पहला पार्ट नहीं है तो दूसरा कैसे होगा, प्लीज आगे चलो। अच्छा, और 75 की 4, और हम जरूर करेंगे। अच्छा, क्यों क्यों नहीं करेंगे, हम हर चीज पर दीदी एक मिनट, अच्छा एडम साहब, आज आपने कोई वो मतलब स्ट्रीम ज्वाइन करने से कुछ इरादा तो नहीं किया था कि मैं नहीं फटूंगा आज, कुछ किया था? नहीं यार, मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन की थी। लग रहा है कि आप, आपकी वो नहीं फटने वाला इरादा जो है ना, वो ब्रेक होने वाला है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी कि मैंने इस न्यू ईयर में बहुत अमूल से बात करनी है, लेकिन लगता है कि जनवरी भी नहीं गुजरने देंगे ये दीदी। क्या कहता है? हम जरूर करेंगे क्योंकि हम इस पर खादिर है कि इसके पोर पोर दुरुस्त करेंगे। नहीं, ऐसी की बकवास है वहां पे, आगे। और हूद की 114 क्या कहती है? 11 जो भी कहती है, और दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज पढ़ लिया करो, बेशक बकवास है, बेशक नेक हम बुराइयों को दूर। बकवास है, नहीं कहती ऐसी कोई बकवास। प्रेयर दिन में दो टाइम करना बोल के नहीं है बाइबल में? नहीं, तीन टाइम है, मूसा को जो दिया गया था। आगे तो तीन टाइम है नमाज में थी। आगे, हाँ, प्रेयर 3 टाइम है, सुबह शाम, और तीसरा वाला कब है पता नहीं कब है। आगे, वो ऐसी प्रेयर नहीं है, वो दुआ है। नंबर 1, नंबर 2, जब जीसस आ गए तो उसके बाद कहा गया हर वक्त ही दुआ में रहो। एफिशिएंस के अंदर है, बी इन प्रेयर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज बी इन प्रेयर। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, ये अभी मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा सूफिया जी, ये लास्ट आयत है आप जो बता रही हैं, क्योंकि आपने जितनी भी आयतें बताई है उससे कुछ
साबित नहीं हो रहा है, क्या आप कहना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये लास्ट मौका है, कोई एक लास्ट आयत आप बताना चाहती है, उसके बाद आप अपना मुद्दा रखेंगे, आप क्या कहना चाह रही है। बाइबल बाइबल कुरान के जो कुरान में जो बाइबल के बारे में जो स्टोरी मरियम के और ईसा अलैहि सलाम के बारे में लिखी गई ना, तो इसके अंदर कितने मैचिंग है देख रहे मैं। और एक आयत का जो मतलब एडम ने सुने और काफिर कहते हैं कि खयामत हम पर नहीं। सुफिया जी आप कह रही हैं कि बातें जो है ईसा और मरियम की बातें जो मैचिंग है, आप बताइए और एडम साहब कंफर्म भी करेंगे, आप बताइए कि जो कुरान जो कहता है कि अल्लाह मरियम की शर्मगाह में फूंक मारा, ये बाइबल आपको क्या लगता है बाइबल में भी है मरियम की शर्मगाह में फूंक मारने की ऐसी चीज? मैं वो आयत मैच नहीं करवा रही हूँ, सोम के बारे में जो बोले थे ना, एक दिन रोजा रखो तुम बात मत करो बोल के, क्या ये बात आई क्या बाइबल में बोल के पूछ रहे थे? नहीं, फूंक मारने के लिए आप क्या कहती है, ये जो शर्मगाह में फूंक मारने की बात है इससे आप क्या समझती है? इससे क्या समझती है? बात ये नहीं है, चाहती क्या हो तुम सफैया, चाहते क्या है बोले तो क्या चाहती है? जैसा कुछ हिस्सा आप बोलते ना कुरान में बाइबल का लिया गया बोल के, तो उस हिस्से को कुरान में किस तरीके से डाले वो देखना चाह रही हूँ। इंतहाई बगैरत तरीके से, इंतहाई अपंग तरीके से, इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक बास्टर्ड तरीके से। अच्छा आप ये आयत में सुने ना, तो इसके अंदर दो ये मैंने आपको आंसर दे दिया है, मैंने आपको आंसर दे दिया है। फिंगर फिंगरप्रिंट की आयत है, फिंगरप्रिंट की आयत नहीं है, वहां पे फिंगरप्रिंट नहीं है, वहां पे फिंगर टिप्स हैं, और फिंगर टिप्स जो है ना वो हर जगह पे अल्लाह ने यूज किया। डोंट गिव मी बुलशिट, स्टॉप गिविंग मी बुलशिट्स। चाहती क्या वो बताओ, अब ऐसी बात करें तो क्या कर सकते बोलिए आप। चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 12 के अंदर फिंगर टिप्स के ऊपर जरब लगाने की बात की गई हुई है लड़ाई के अंदर। ये फिंगर टिप्स जो है ये अरबी की एक लुगत का लफ्ज है, जिस तरह हम आजकल बहुत सारी बातें बोलते हैं उसी तरह मैं तेरे उंगलियों पे मारूंगा, ये एक वहां की लुगत है, एक वहां की जर्नल स्टेटमेंट है, ठीक है। उस जर्नल स्टेटमेंट में उंगलियों पे मारने की बात की गई हुई है। अगर उंगलियों को मारोगे तो अल्लाह कहता है मैं उंगलियों तक बना लूंगा, फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं हो रही, फिंगर टिप्स की बात हो रही है। सो यार बीबी बात सुन, मुझे सिर्फ ये बता तू चाहती क्या है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी कि तू चाहती क्या है। हाँ तो पूछने से पहले तुम्हें को आपको थोड़ी ना साबित करना था, खुद मेरे को साबित करना है, बल्कि आपसे पूछ रहा था, आप डाउट क्लियर कर रहे हो। क्या करना चाहती हो, मैं उसका आंसर तुम्हारी अच्छा जर्रा भर चीज भी इसके नजर से पोशीदा नहीं है, बल्कि जर्रा जो अरबी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब होता है रेड कलर की छोटी वाली चूंटी। जर्रा आजकल एटम बना दिया उन्होंने अरबी में, जर्रा जो है वो छोटी वाली चूंटी को कहते हैं, रेड एंट को कहते हैं जर्रा। सो अगर आप इसको जाके पढ़ेंगे, ये जो वेट ऑफ एटम है ये वेट ऑफ एटम नहीं है, जर्रा कहते हैं रेड कलर की चूंटी को, लाल रंग की चूंटी को। अल्लाह को एटम के अंब का नहीं पता था उस जमाने में, मोहम्मद के जमाने में जो सबसे छोटी चलने फिरने वाली चीज थी वो रेड कलर की छोटी वाली चूंटी थी। तो मोहम्मद ने कह दिया अल्लाह जर्रा बराबर भी तुम्हारे किसी चीज को जाने नहीं देगा, बट इनफैक्ट वो रेड एंट का जिक्र कर रहा है, एटम का जिक्र नहीं कर रहा, एटम लेटेस्ट ट्रांसलेशंस के अंदर है। अच्छा और एक जैसा कुरान में एक आयत में है, जब ईसा इब्ने मरियम आए थे अल्लाह के पास भेजे थे, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होएगा बोल के, क्या ये बाइबल में? बाइबल के अंदर एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें अहमद का कोई जिक्र हो, आगे अहमद का जिक्र नहीं है बाइबल में, नहीं है। अच्छा। नहीं है, ठीक है ठीक है। तो क्या ठीक है? ठीक है कि किताब मिक्सिंग है बल्कि साबित कर रही। सुफिया जी इसका मतलब तो ये हुआ ना, नहीं साहब एक सेकंड, सॉरी मिक्सिंग है तो मिक्सिंग तो हम रोज बताते हैं कि कुरान ने कोई चीज बाइबल से उठाई, कोई चीज तोरा से उठाई, कोई चीज फायर प्रस्तों से उठाई, कोई चीज मुशरिकों से उठाई, ये तो हम रोज बताते हैं। इसमें गेम क्या है? और वो चीज भी सही नहीं उठाई, उसको खराब करके उठाया जी साहिल भाई, सॉरी। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है एडम साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर आप ये अग्री कर रही है कि बाइबल में और पहले की किताब में इस तरीके की बात नहीं है, खास करके अगर हम स्पेसिफिकली अहमद की बात करें
जो जाकिर नालायक और बाकी जैसे लोग गेम डालने की कोशिश करते हैं, तो इनको फिर ये अग्री करना पड़ेगा कि इनके जो स्कॉलर्स है और ये जो डंगर लोग है ये झूठ बोलते हैं अवाम को। हाँ नहीं, कुरान में हमारे अहमद बोल के आएंगे आखिरी नबी बोल के लिखे हुआ है ना, लेकिन तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो कुरान भी झूठ बोल रहा है। बाइबल में ऐसा जिक्र नहीं हुआ, तो कुरान झूठ बोल रहा है ना फिर सुफिया जी? हाँ। कुरान झूठ बोल रहा है ना? हाँ थैंक यू। दीदी के लिए एक गुलाब भेजो, अगर कुरान झूठ बोल रहा है तो फिर वो अल्लाह की किताब, या अल्लाह नहीं बोलेंगे हम, खुदा की किताब नहीं हो सकती। खत्म हो गया, आप इस्लाम से बाहर आ चुकी है। कांग्रेचुलेशन सुफिया जी। बेशक, एब्सोल्युटली। और ये ले रेफरेंस आपके लिए, मिसकाल जर्रा काला रास नमल हमरा, के जर्रा जो है वो असल में नमला तो हमरा है, यानी लाल रंग की, यार translate.google.com, लाल रंग की चूंटी को, ये देखो रेड एंट हेड, लाल रंग की चूंटी का जो सर है इससे जाहिर किया गया है। द वेरी बेसिकली एटम की मोहम्मद के प्यो दादे को नहीं पता था, और मोहम्मद की नस्ल की 10 नस्लों को नहीं पता था कि एटम कोई चीज है। जरा कहते थे चूंटी के, लाल चूंटी के सर को, दैट्स इट। बाद में आपने साइंस डालने की वजह से वहां पे जरा को एटम बना दिया। अर्ली ट्रांसलेटर्स उसको चूंटी के सर से जाहिर कर रहे हैं। Do you comprehend what I'm saying? हाँ, तो ये डॉट पूछने के लिए तो उसमें टेली को ऐसे बाहर क्या नाम बोला था ना? नहीं नहीं, अच्छी अच्छी सुफिया दीदी, अच्छी। एडम साहब, उन्होंने उन्होंने जब ये कह दिया कि झूठ कह रहा है अल्लाह, कुरान झूठ कह रहा है, तो खत्म हो गया ना, फिर बचता क्या है? शी वाज जस्ट कंफर्मिंग, अभी वो कंफर्म हो गया। और सुफिया जी, आपके इस जो बात है ना, इसको मैं और तकवियत दे देता हूँ, मजबूती दे देता हूँ सुफिया जी, ताकि आपको कुरान का झूठ समझ में आ जाए और मुल्ला मौलवी का झूठ समझ में आ जाए। सुफिया जी, अगर आपका नाम सुफिया है, ठीक है, तो जब भी आपका जिक्र होगा आपका नाम सुफिया ही लिखा जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन है सुफिया, तो वो सुफिया ही लिखा जाएगा। अगर अहमद बोला गया है कि नाम अहमद लिखा होगा, तो एग्जैक्टली नाम अहमद ही होना चाहिए बाइबल में। हाँ, तो वही डॉट तो लेके आया था मैं, आदम भाई गरम हो जा रहे थे ना थोड़े, जो मेरे को डॉट है मैं उठा के लाया। लाया क्या? लाई पहले बताओ तो सही। लेकिन ये लाई से लाया कैसे हो गए तुम्हें सुफिया जी? क्या और क्या बता रहे? नहीं नहीं, ये लाया कैसे हो गए? लाया कैसे हो गए? लड़की है लड़का है आप? साहिल सही बुखारी की ट्रांसलेशन में ऐसा ऐसी बात करते हो? ये देखो, एटम उन्होंने लिखा ट्रांसलेशन में, ठीक है, योर हार्ट योर फेथ इक्वल टू द वेट ऑफ एन एटम, लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने आई डोंट नो कब तक ये रहेगा और कब ये हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि कभी भी हटा सकते हैं ये, और अ स्मॉलेस्ट एंट। तो बेसिकली एटम जो है वो लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, स्मॉलेस्ट एंट, लाल कलर की आंट, एंट चूंटी। अच्छा चंद, मैं ये ढूंढ रहा था कि जब बुखारी में मिल जाए, शायद किसी ने सही ट्रांसलेशन की हो, ये बुखारी की हदीस में ना उन्होंने ट्रांसलेशन सही नहीं की, एटम लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में एटलीस्ट डाल दिया। लेकिन अगर आप इसको तफसीर में देखते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जर्रा है क्या। सो बाजी कुरान में और कंफ्यूज भी कर देना, कंफ्यूज नहीं करती वो, असल में आपको उस वक्त की चीजें बताती हैं, और मैं इसी वजह से तफसीर पे जाता हूं ताकि लोगों को समय लगे। एनी द बेसिक प्रॉब्लम इज, मेरी बहन, कुरान चोरी का माल है और आपने एक्सी कर लिया, दैट इज बेहतरीन और जबरदस्त, वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। अच्छा एडन साहब, आपने इनका टेस्ट लिया था जब ये आप आपके पास आई थी, इनका टेस्ट लिया था आपने? जी सर, वो सारे टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा टेस्ट हो चुके, तो सुफिया जी आपको कांग्रेचुलेशन, आप निकल गई इस्लाम से, समझ गई। समझ गए, लेकिन इतने सालों से जो चीज को फॉलो कर रही, कंफर्म करना ना, अपने पूरा 100% श्योर होना, एक भी पॉइंट नहीं छूटना। तो अभी कर लिया ना आपने कंफर्म, अभी निकलो, खुश रहो लाइफ में, आगे बढ़ो। अब ये किताब बोले तो हर किताब भी गलत हो सकती है, ठीक है, बाकी को छोड़ दो, ये तो साबित हो गया ना गलत है, बाकी का देख लेना, तहकीक कर लेना, पढ़ लेना। इंसान इंसान की लिखी हुई किताब है, साबित हो जा रही है ना, तो इंसान की लिखी हुई किताब साबित हो गई मेरे को, तो हो गई भाई, फाइनली दीदी को साबित हो गया। सब चेक करके दीदी के लिए फिर से एक गुलाब भेज दे,
थैंक यू सो मच सुफिया जी जुड़ने के लिए, और आपको वंस अगेन हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुक्रिया, थैंक यू, मुबारक जी। स्ट्रीम कब से देख रही है आप, हमारे चैनल कब से देख रही है? 1 वीक से। अच्छा, ये हो रहे, बाप रे एडम साहब, 1 वीक में देखिए क्या असर हो रहा है, क्या लेकिन बात है यार, 20 साल से टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं एडम भाई, 20 साल की मेहनत उस पे है, जमाने से पढ़ के कुछ निकाले थे लेकिन खत्म हो गया बहन। 20 साल के वो जो है ना, ये एक बड़ा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, वेरी डिफिकल्ट इट इज टू एक्नॉलेज दैट, लेकिन यही है ना कि हम लोगों को झूठ बोल बोल के सारा कुछ दिया गया है, तो जब वो सच्चाई नजर आती है तो फिर क्या करें, क्या करें, हम आंखें बंद कर लें या झूठ में रहें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, जब आपको सच्चाई नजर आ गई है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ सही है, ठीक है प्यारी बहन, अभी आप यूट्यूब से बाकी जो है डिस्कशन देखिए, कोई मोमिन हजरात से भी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।